Hello everyone, this is Renu and I'm going to tell you about compound variation today. Compound variation एक ऐसा topic है जो often पूछा जाता है सारे competitive exams में, जैसे railway, SSC and banking के जो exams होते हैं उसमें often ये बहुत ही common सा topic है compound variation. कंपाउंड वेरिएशन वैसे तो आपको टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएगा, सेवन्थ एट की टेक्स्ट बुक्स में इजीली अवेलेबल है ये टॉपिक. बट द थिंग इज दैट कि उसमें जो मेथड दिया है वो है यूनिटरी मेथड. दैट इज इजी, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वो थोड़ा लेंदी हो जाता है और एग्जाम्स में हमारे पास टाइम क्रंच रहता है, तो हमें एक ऐसा प्रिसाइज मेथड चाहिए होता है जिससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्विकली सॉल्व हो जाए. तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए मैं आपको आज एरो मेथड के थ्रू कंपाउंड वेरिएशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं तो ये आपको मैं बता रही हूँ. एरो मेथड में प्रोसीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंपाउंड वेरिएशन का ओवरव्यू बता देती हूँ. मीन्स कंपाउंड वेरिएशन होता क्या है और कैसे हम इसके मतलब इक्वेशन फॉर्म करके इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग एरो मेथड. तो कंपाउंड वेरिएशन क्या होता है, इसमें मोर देन टू क्वांटिटीज हमारे पास हो सकती हैं, टू क्वांटिटीज भी हो सकती हैं एंड मोर देन टू क्वांटिटीज भी हो सकती हैं. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन का मिक्सचर होता है एक्चुअली. इसमें आपके पास बोथ डायरेक्ट और डायरेक्ट वेरिएशन भी हो सकता है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट वेरिएशन भी हो सकता है एंड बोथ इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन भी हो सकता है. तो तीन केसेस हो सकते हैं. तो मतलब कोई भी वेरिएशन का मिक्सचर हो हम इस एरो मेथड का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं. एक प्रॉब्लम जो ऑफन होती है कंपाउंड वेरिएशन के क्वेश्चंस के साथ कि ये इसमें कई बार आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाते कि इसमें इनवर्स वेरिएशन का ये क्वेश्चन है या डायरेक्ट वेरिएशन का ये क्वेश्चन है, कई बार नहीं हमें समझ आता. तो यूजिंग एरो मेथड वी कैन इजिली फाइंड आउट, मतलब एरो का पॉइंटर के थ्रू हम देख सकते हैं कि ये कौन सा वेरिएशन जा रहा है एंड इसको हम कैसे सॉल्व करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाती हूँ. तो पहला एग्जाम्पल मैं ये ले रही हूँ, इफ द वेजेस ऑफ 12 मैन फॉर 30 डेज बी रुपीज 4200, देन फाइंड आउट द वेजेस ऑफ 18 मैन फॉर 24 डेज. राइट, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्वांटिटीज यहाँ पर कौन कौन सी दी हुई है. वी हैव थ्री क्वांटिटीज हियर, मैन, डेज एंड वेजेस. ठीक है, तो 12 मैन 30 डेज तक काम करते हैं तो दे गेट द वेजेस 4200. राइट, तो हमें निकालना है 18 मैन का वेजेस फॉर 24 डेज. राइट, तो सबसे पहले विल नोट डाउन ऑल द क्वांटिटीज, लाइक वी हैव हियर मैन, डेज एंड वेजेस. विल नोट डाउन मैन, 12 मैन वर्किंग फॉर 30 डेज गेट 4200. राइट, एंड वी हैव टू फाइंड आउट फॉर 18 मैन वर्किंग 24 डेज हाउ मैनी वेजेस विल दे गेट. सो विल कंसिडर इट एक्स. राइट, तो हमने इसे एक्स कंसिडर किया है. तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, विल नोट डाउन ऑल द क्वांटिटीज. अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, बाय डिफॉल्ट हमारा जो पॉइंटर रहेगा एरो का वो एक्स, जो भी अननोन क्वांटिटी है उसकी तरफ हम पॉइंटर उसका रखेंगे. राइट, ये बाय डिफॉल्ट है, वी हैव टू डू इट. तो जो भी अननोन क्वांटिटी है एक्स, वो चाहे इधर है या इधर है, एरोस का पॉइंटर हमेशा एक्स की तरफ रहेगा. नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें बाकी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है इस अननोन क्वांटिटी से. राइट, तो यहां पर हम मैन और डेज को कंपेयर करेंगे वेजेस से वन बाय वन. राइट, सो अब हम मैन और वेजेस में कंपेयर करते हैं तो विल सी दैट कि 12 मैन का वेजेस है 4200. राइट, सो 18 मैन का वेजेस ऑब्वियसली 12 मैन के वेजेस से ज्यादा होगा क्योंकि मैन की क्वांटिटी बढ़ गई है, नंबर ऑफ मैन यहां पर बढ़ गए हैं तो वेजेस भी बढ़ेगा. तो बढ़ रहा है यहां पर, इसलिए जो बड़ी डिजिट होगी उसकी तरफ हमारा एरो का पॉइंटर होगा एंड यहाँ पर बड़ी डिजिट है 12 और 18 में, 18 इज द बिगर डिजिट. राइट, तो 18 की तरफ हमारा एरो का पॉइंटर रहेगा. सेकेंड स्टेप इसी में डेज और वेजेस को हमें कंपेयर करना है. इसमें हमें देखना है कि 30 डेज का वेजेस 4200 है तो 24 का डेजेस उससे कम होगा. 30 दिन की कमाई इतनी है तो 24 दिन की कमाई 4200 से कम ही रहेगी. तो इन दोनों में जो भी कम डिजिट होगा
उसकी तरफ हमारा एरो का पॉइंटर रहेगा. तो बिटवीन 30 एंड 24, 24 इज द लेसर डिजिट, तो 24 की तरफ हमारा एरो का पॉइंटर रहेगा. राइट, तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ये एरो के जो पॉइंटर हैं, यूजिंग दीज पॉइंटर्स हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड सॉल्व इट. तो पहला तो x का जो भी अननोन क्वांटिटी है वो हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं. तो x बाय 4200 विल नोट इट डाउन इक्वल्स टू जो भी वी मैन का केस देखें तो 18 की तरफ पॉइंटर है, तो 18 को हम ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में बाय 12 इन टू डेज में हमारे पास एरो का पॉइंटर 24 की तरफ है, तो 24 को विल कीप इट इन द न्यूमरेटर एंड नीचे हम रखेंगे 30. राइट, अब सिंपली हमें इसे सॉल्व करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. x की वैल्यू हमें यहाँ पर गेट करनी है. राइट, 24 बाय 30 इंटू 4200. सॉल्विंग दिस इक्वेशन मीन्स सॉल्विंग दिस विल गेट दैट इट विल कम अराउंड 5040. सो वेजेस फॉर 18 मैन इफ द वर्क फॉर 24 डेज कम्स आउट 5040, दैट इज 5040. तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रिसाइज सा मेथड है जिससे हम इजीली कोई भी कंपाउंड वेरिएशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अब चलिए एक और एग्जांपल हमने लेते जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इन हाउ मेनी डेज ऑफ वर्किंग 8 आवर्स ईच डे कैन 12 मैन डू द सेम वर्क एज 10 मैन वर्किंग 9 आवर्स अ डे डू इन 16 डेज. तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो जो पहले हमें क्वांटिटीज दी है, तीन क्वांटिटीज वी हैव आवर्स मैन एंड डेज. राइट, तो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है सो दैट आपको मैं इजिली समझा सकूं. नेक्स्ट है मैन आवर्स एंड डेज विल नोट डाउन द क्वांटिटी. 10 मैन वर्किंग 9 आवर्स अ डे वर्किंग 9 आवर्स कंप्लीट द जॉब इन 16 डेज. नेक्स्ट इज 12 मैन वर्किंग 8 आवर्स विल कंप्लीट द जॉब इन हाउ मेनी डेज, ये हमें निकालना है. ठीक है, तो एज आई सेड कि सबसे पहला स्टेप है कि एरो का पॉइंटर बाय डिफॉल्ट एक्स की तरफ रहेगा. ओके, देन नेक्स्ट हमें बाकी टू क्वांटिटीज से कंपेयर करना है इस वाली क्वांटिटी को. तो फर्स्ट हम मैन से कंपेयर करेंगे. 10 मैन कंप्लीट करते हैं उस जॉब को 16 डेज में, 12 मैन कम टाइम लगाएंगे, लेस देन 16 ही लगाएंगे ऑब्वियसली. तो इन दोनों में जो भी लेस डिजिट होगा उसकी तरफ हमारा एरो का पॉइंटर रहेगा. ओके, देन कमिंग टू आवर्स एंड डेज, 9 आवर्स अगर कोई बंदा रोज काम कर रहा है तो काम कंप्लीट हो रहा है 16 डेज में. अगर आवर्स का ड्यूरेशन कम हो गया, 8 आवर्स से वो काम कर रहा है तो कितने डेज में कंप्लीट होगा ये हमें निकालना है. तो ऑब्वियसली ज्यादा दिन लगेंगे क्योंकि 8 घंटे हो गए हैं, तो डेज कम हो जाएंगे, तो सॉरी डेज ज्यादा हो जाएंगे. दैट्स वाई जो भी इन दोनों में ज्यादा बड़ी डिजिट होगी उसमें हमारा एरो का पॉइंटर रहेगा. तो यहाँ पर 8 और 9 में 9 इज अ बिगर डिजिट, तो विल पुट द एरो टुवर्ड्स 9. नेक्स्ट हमें कुछ नहीं करना, यूजिंग दिस वी कैन सॉल्व द इक्वेशन. फर्स्ट हमें क्या करना है, एक्स बाय 16 इक्वल्स टू इसमें एरो का पॉइंटर 10 की तरफ है, तो 10 बाय 12 इंटू इसमें एरो का पॉइंटर 9 की तरफ है, तो 9 बाय 8. ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके विल सॉल्व दिस और इट विल कम अराउंड 15 डेज. सो आंसर इज 12 मैन वर्किंग 8 आवर्स कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज. तो ये था क्वेश्चन कंपाउंड वेरिएशन का. ये बहुत ही इजी और मतलब बहुत ही शॉर्ट मेथड है टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन पुट योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.